21 मीन्स मैम कॉपी चेकिंग सार्थक सार्थक हो गया वर्क डन वर्क सार्थक कंप्लीटेड मैम। ओके सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू वन और टू वर्ड प्रॉब्लम्स देन आई चेक योर कॉपी नो वर्क मुझे मैम वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं वर्ड प्रॉब्लम तो ऐसे रुको मैं अभी आज मैं उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगी जो जो मैंने समझाया था एक बार खुद भी ट्राई करना आ रहा। मैम हमने जो वीडियोस भेजे थे वो आपने चेक नहीं किया। वाह बेटा मैम मैंने मैथ्स के ग्रुप में वीडियोस भेजी थी होमवर्क की। वॉइस इज नॉट क्लियर अनुमेघा। मैम वो कह रही कि उसने पीडीएफ भेजे थे आपने चेक नहीं करे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा चलो और कितने लोगों ने भेजा है अभी। एक्चुअली हमने 10th का पूरा चेक किया 9th का चेक किया 7th का भी नहीं चेक कर पा रही। कितने लोगों ने भेज दिया। मैम मैंने भेजी है। ठीक है अब आपका टर्न कल आएगा आज मैम मैंने भी भेजी है। मैम आप अभी चेक करेंगे कॉपी। अभी नहीं चेक करो आप पीडीएफ में भेजना। मैम पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस हैं। तो क्या हुआ तो व्हाट पीडीएफ मैम कम से कम 70 पेजेस हैं। एक चैप्टर में 70 पेज कितनी कॉपी मैंने आपको कौन सा चैप्टर बोला था। मैम चैप्टर नंबर 4 तुमने क्या लिखा है बेटा तो सारा क्या लिखा है था। चल तो मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज भेज देना देखना देखती हूँ 70 पेजेस कैसे हो गए। आपका टर्न कल आएगा कल से मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। आज नाइन तो पूरा हो जाएगा नेक्स्ट 7 से 6 आज से स्टार्ट करूंगी। छोड़ मेघा ने याद दिला दिया कल बेटा आपकी स्टार्ट हो जाएगी डोंट वरी। यस मैम। चलो ठीक है सो फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस। नो मैम आई थिंक डबल हो गए होंगे पेजेस देख लेना बेटा। मैम मैंने शायद से एक एक पेज को दोबारा खींच दिया होगा। चलो ठीक है जैसे भी होगा देख लेना। मैम आप यस बेटा स्कूल स्कूल सारी क्लासेस स्कूल से लगती है बेटा। ओके सो अटेंडेंस हो गई आपकी। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैम पेपर कब है। पेपर हाँ कल आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। कल आपको टाइम टेबल मिल रहा है हो सकता है। कितने दिन बाद है। 7 या 8 से स्टार्ट मुझे एक्जेक्टली याद नहीं शाम तक मिल जाएगा टाइम नहीं तो कल 100% मिल जाएगा। 7-8 से मैम स्कूल आना पड़ेगी या स्कूल ऑनलाइन ऑनलाइन ये मैं बता चुकी हूँ। संदेश हर बार पूछता है मैम मुझे नहीं पता मैम। हाँ तो ऑनलाइन होगी ठीक है। ध्यान से देखना वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट की 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। मैम मुझे मैम बड़ी बड़ी आई नहीं रही मैम समझ मैम ये क्वेश्चन बेट बेट आ जा जा तो बच्चे समझना पहले पूरा फोकस रखना इधर उधर दिमाग ओके। इज स्क्रीन विजिबल सिंपल इक्वेशन चैप्टर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मुझे नहीं दिख रहा दोबारा मैम मुझे नहीं दिख रहा। मैम नहीं दिख रहा है ज्वाइन कर लो आपकी नेट पर कोई प्रॉब्लम यदि मेरी तरफ से क्या छोटे बच्चों से लेट करे जिसको नहीं दिख रहा बेटा रीजॉइन फटाफट रीजॉइन करो यानी मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। एक को भी दिख रहा है यानी ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी प्रॉब्लम। मैम मैंने फटाफट किया मैम तब भी नहीं दिख रहा तो तेरी प्रॉब्लम बेटा नहीं फाइट कर। मैम अब दिखने लग गया। मैम अभी भी नहीं दिख रहा। मैम अब दिखने लगा। अच्छा मुझे दिख रहा बे किसी को दिख रहा है कोई एक बताओ जिसको दिख रहा हो। मैम मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। ओके अब
नहीं दिखा अपने आप को रीजॉइन करो फटाफट, इसका मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से, जल्दी रीजॉइन करो फटाफट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर टू वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, हैव वी डन फर्स्ट वन, जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम। सेकंड पार्ट वी हैव डन, मैम मैंने बार कर लिया मैम, मैम तब भी नहीं लिखा मैम, मेरे को नहीं दिया, नेट में प्रॉब्लम है बेटा, आपके नेट में प्रॉब्लम है मैम, मुझे भी नहीं दिख रहा, मैंने रीजॉइन करके ही किया है मैम, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ मैं पहले पूछ तो लूं कितने लोगों को दिख रहा है, लेट मी चेक, मैम अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक, अब दिख रहा था, बिल्कुल बोल नहीं पा रहा, दिख रहा है ओके, कोई नहीं बात करना, बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल एक वर्ड भी मत बोलना, सब अनम्यूट म्यूट करो अपने आप को, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो चलो मैं आज मॉनिटर बना देती हूँ, व्योम मैम सर, व्योम ओनली यू विल गिव मी रिस्पांस वेदर स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, ओके मैम, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, ओके, बाकी कोई में मत बोलना, यदि एक को भी दिख रहा है इसका मतलब इधर से प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कल पूरी नाइन्थ क्लास को नहीं दिख रहा था तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मेरी तरफ से थी, आज मेरी तरफ से नहीं है, जिसको नहीं दिखता फटाफट रिज्वाइन किया करो, ओके, वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, वी हैव डन सेकंड पार्ट, एंड आई थिंक हैव वी डन, ओके, मैं सी नहीं किया, टुडे वी विल डिस्कस दिस सी पार्ट, अब इसका पहले मीनिंग ध्यान से समझना सब लोग, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, राहुल के जितने मार्क्स थे, व्योम अभी म्यूट कर लो बेटा, जब डाउट होगा तब अनम्यूट करना, अभी इको हो रहा है तुम्हारी उससे, हाँ गुड, अब किसी का नहीं आने लगा, अब बहुत अच्छे से सबको समझ आ जाएगा, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, यानी राहुल के जितने मार्क्स थे उसका यदि हम ट्वाइस कर दें तो सचिन के मार्क्स हो जाएंगे, यानी सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर का डबल है, मान लो राहुल के 10 मार्क्स हैं तो सचिन के हो जाएंगे 20, राहुल के 20 है तो सचिन के हो जाएंगे 20 × 2 यानी 40, यानी सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर का ट्वाइस, ये हो गया, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, खूब अच्छे से समझना, इसलिए मैं बहुत अच्छे से दोनों लैंग्वेज में समझा रही हूँ, टुगेदर मतलब एक साथ बेटा, यदि किसी को विजिबल है आपको विजिबल नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है, कौन है ये, हु इज देयर मैम, हाय व्योम, व्योम इज माय स्क्रीन विजिबल बेटा, यस मैम, हाँ तो बेटा जिसको विजिबल नहीं है ये मान लो आपकी प्रॉब्लम है, तो विजिबल मुझे बताने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, रिजॉल्व करो जल्दी, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, टू शॉर्ट का मतलब दो कम है, यदि दोनों के रन्स को मिला दें, किसके दोनों के, सचिन और राहुल के रन्स को हम कंबाइंड कर दें, टुगेदर मतलब एक साथ कर दें, तो उनका जो रन है टोटल काउंटिंग फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं जल्दी बोलो, एक सेंचुरी में 200 तो डबल सेंचुरी में हो जाएंगे 200, तो कह रहे इस क्वेश्चन में कि दोनों के रन को हम कंबाइंड कर दें उस केस में जो उनका टोटल होगा रन का वो डबल सेंचुरी से दो कम है, यानी उनका टोटल हो जाएगा 200 - 2 डबल 198, यानी दोनों के मार्क्स को, नॉट मार्क्स, दोनों के रन्स को यदि हम कंबाइंड कर देंगे तो उनका टोटल स्कोर हो जाएगा 198, वर्ड यूज नहीं है बट इट इज गिवन, टू लेस देन डबल सेंचुरी, टू लेस देन मतलब माइनस टू, डबल सेंचुरी मतलब 200, 200 माइनस टू, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, आपको बताना है दोनों मिलके कितने रन स्कोर करेंगे, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बता रही हूँ ध्यान से देखना,
हाँ यहाँ ब्लैंक पेज यूज कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, बहुत एक एक वर्ड में आराम से बोल, एक है सचिन एक है राहुल। क्वेश्चन में है कि सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर का डबल है। हमें ये नहीं पता कि राहुल का क्या स्कोर है, हमें ये नहीं पता कि सचिन का क्या स्कोर है। जब हमें कोई चीज नहीं पता, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू सपोज सम वेरिएबल। हम सपोज करेंगे कि राहुल के रन है एक्स रन, यानी राहुल स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स। यदि राहुल का स्कोर एक्स होगा और सचिन का स्कोर राहुल का डबल है तो सचिन का हो जाएगा 2x, तो सचिन का स्कोर हो गया 2x, राहुल का स्कोर हो गया x। अब लिखा है कि टुगेदर म्यूट म्यूट म्यूट, जो भी अनम्यूट म्यूट करो। अब दोनों के रन्स को यदि हम टुगेदर मतलब दोनों को मिला दो तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन लिखते हैं बिफोर दैट इक्वेशन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको लिखना ही लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या हो जाएगा, उनके रन को यदि हम मिला देंगे तो राहुल का स्कोर एक्स, सचिन का स्कोर 2x, टुगेदर मतलब ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ लेना प्लस कर देना दोनों को इक्वल टू 200, नहीं बाद में करेंगे। दोनों के रन को मिलाने से जो स्कोर होगा वो 200 से 2 कम होगा। पहले आप वो क्वेश्चन लिखोगे जो आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन में गिवन है, यानी स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, x प्लस 2x इक्वल्स टू 200 माइनस 2, ये हमारा स्कोर होगा, ये सॉरी इक्वेशन हो गई, नॉट इक्वेशन हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, जब भी सॉल्व करना है स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल्स टू 198, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा 198, इधर तो माउस से लिख रही हूँ पर फिर भी आज ठीक लिखा जा रहा है, तो माउस भी गड़बड़ हो रहा है, इक्वल्स टू, अब 198 और 3 को कैंसिल करेंगे, 66. अब x हमने क्या सपोज किया था, x हमने सपोज किया था राहुल के रन्स, राहुल के रन को हमने x सपोज किया था, इसका मतलब राहुल के रन हो गए 66। अब आप देखना अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, राहुल के रन हो गए 66 और सचिन का जो रन था वो राहुल का डबल था, यानी सचिन का 66 into 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 132। आप दोनों को प्लस कर दो, 6 plus 2 8 6 plus 3 9 1, 200 माइनस 2 किसका है 198, ये दोनों का स्कोर कितना आ गया 198, यानी आपका आंसर करेक्ट है, आपने आंसर चेक भी कर लिया। अब एक बार ध्यान से स्टेप्स देखो, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ, सुनते जाना ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, लेट अस सपोज दैट राहुल्स रन इक्वल्स टू एक्स, यानी तो राहुल्स स्कोर इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर सचिन्स स्कोर इक्वल्स टू 2x। मैम लेट अस सपोज, मैम उसके बाद क्या, यानी देखो याद मत करो ना लिखो, आप हम ये सपोज करेंगे कि राहुल का स्कोर एक्स है बस। अब अपने लैंग्वेज में लिखो, लेट अस सपोज दैट राहुल्स, राहुल्स माने ये वाला राहुल, अपने इंग्लिश में किया है राहुल्स, राहुल का स्कोर, राहुल्स स्कोर इक्वल्स टू एक्स रन्स, सचिन्स स्कोर 2x रन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस। अब बस इसको ये नहीं लिखना कि हमने प्लस क्यों किया, बस जब भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते तो उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। टुगेदर है इसका मतलब दोनों का प्लस, इज मींस इक्वल, टू शॉर्ट का मतलब माइनस टू, इससे टू शॉर्ट डबल सेंचुरी मतलब 200, सॉल्व किया एक्स की वैल्यू 66 आ गई, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर राहुल्स स्कोर इक्वल्स टू 66 रन्स एंड सचिन्स स्कोर इक्वल्स टू 66 into 2, 132 runs.
लास्ट में ही आंसर लिख देंगे, वेरीफाई नहीं करना, क्रॉस कर दिया मैं वो आपको, मैंने अपने समझने के लिए बता दिया। मैम 3x क्यों लिखा है यहाँ पे? क्या मैम x प्लस 2x इक्वल्स टू 200 माइनस 2 है, मैम 3x क्यों लिखा है यहाँ पे? कौन पूछ रहा है? मैम संदेश। संदेश को पीटेगा मुझसे, बहुत बोलने लगा है। ये बात बता मुझे कहाँ कितना अच्छी चीज आ रहा था, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, 3x क्यों नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी बता? इसकी पहले तुमने कितने सारे क्वेश्चन किया कि x और 2x को प्लस करते हैं तो 3x होता है। अब तू आज पूछ रहा कि हमने 3x क्यों लिखा जब सब कुछ कंप्लीट हो गया पूरा, तब आज मुझसे 3x पूछ रहा है। सो हमने 3x क्यों लिखा? यस मैम। नहीं तो तुझे पूछना नहीं चाहिए बेटा, इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले, जब हमने सॉल्यूशन इक्वेशंस को सॉल्व किया था उसमें कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि इससे भी 100 टाइम्स टिपिकल बताए, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जब सब करा दिया तो आज तो पूछ रहा है कि x और 2x को 3x में लिखेंगे, कितने सारे क्वेश्चन बता आपने, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं तो लेट मी डिलीट दिस, आप सपोज मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया दिस टाइप का 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 4x, ये तुमने जो मर्जी ले लू कुछ भी ले लू माइनस 5, अब इसको सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था तो उससे तो बहुत इजी है x प्लस 2x, जब उसमें डाउट हो तो ये कैसे सॉल्व कर पाओगे? क्वेश्चन आएगा सॉल्व, ये सॉल्व कर। मैम 6x प्लस मैम 8 इक्वल्स टू मैम 20x माइनस, संदेश म्यूट म्यूट कर, कल मैंने पूछा नहीं है, जिसको नोट करना है क्वेश्चन नोट कर लो। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम नेटवर्क नहीं था तो मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई, थोड़ा सिलेबस कैसा है मैम थोड़ा बता दीजिए। कौन है ये? पंक्ति। पंक्ति बेटा ऐसे में तो क्या बोलते हैं। मैम मैंने जस्ट अभी ज्वाइन करा, नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है मालूम है? नो मैम कुछ भी नहीं पता। आप लोग जब वो क्वेश्चन छोड़, मैं नया क्वेश्चन बता रही हूँ उसको देखो। अभी मैम 32 मार्क, मैम 32 कैसे आया मैम? उसके कितने राहुल के रन कितने हो गए बताओ? राहुल कितने हो गए मैम? 66। जितना डाउट उससे जरा पूछो। सचिन का स्कोर क्या है राहुल का, क्या क्वेश्चन में दिया है? सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के कंपैरिजन में क्या दिया क्वेश्चन में बताओ? मैम मैम उसका मैम डबल है। डबल 66 का डबल क्या होता है? 132। फिर तो पूछा 132 क्यों आया? राहुल का स्कोर डबल कर दिया, खत्म काम। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पंक्ति क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी मैंने जो कराया था वो सी पार्ट कराया, इधर देख लो, इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगी, जिसको डाउट हो सॉल्यूशन देख लेना। अभी मैंने सी पार्ट कराया पंक्ति क्वेश्चन में, ये था शॉर्ट में देखो बता देते हैं। सी पार्ट में ये था कि जो राहुल का स्कोर है वो सॉरी जो सचिन का स्कोर है वो राहुल के स्कोर का डबल है। अब हमने राहुल के स्कोर को एक्स मान लिया था, ये एक्स हो गया था, हमने सपोज किया था तो सचिन का स्कोर हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ट्वाइस है राहुल के स्कोर से। अब टुगेदर मतलब दोनों के स्कोर को प्लस कर दो, मैंने प्लस किया सचिन का स्कोर प्लस राहुल का स्कोर, यदि दोनों को प्लस कर देते हैं तो जो टोटल रन होगा उनका मिला के वो इक्वल होगा टू शॉर्ट। टू शॉर्ट का मतलब दो कम कर दिया मतलब माइनस टू। किससे दो कम हो रहा है? डबल सेंचुरी से दो कम, डबल सेंचुरी होता है 200, यानी दोनों के रन को यदि हम मिला देंगे कंबाइंड कर देंगे वो स्कोर हो जाएगा 200 माइनस 2। जब प्लस किया तो 3x इक्वल्स टू आ गया 198, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 66। x किसका स्कोर था? राहुल का। यदि ये 66 है तो इसका डबल कर देंगे 132, जो कि सचिन का स्कोर हो जाएगा। पंक्ति क्लियर? यस मैम।
नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसका मीनिंग पहले समझो, ये मैंने ऑलरेडी कहीं पे बताया ये फन वाला क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम फिर से बता। फर्स्ट क्वेश्चन, बस फर्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट सबसे लास्ट में कराऊंगी टाइम बचा, तो पहले थर्ड वाला करते हैं जो डिफरेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हमने किसी एक्सरसाइज में किया है, उसमें इक्वेशन फ्रेम करनी थी दोनों ही पार्ट्स की है, बट एक बार फिर से करा दो। यस यस सो कम टू थर्ड क्वेश्चन। ओके 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 बस बस म्यूट करो। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, बच्चे समझना उन्होंने क्या प्लांट किया, ट्रीज, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ फ्रूट ट्रीज थे, ठीक है, यानी जो एक गार्डन है उसमें फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज, टू टाइप्स के फ्रूट ट्रीज हैं, फ्रूट एंड नॉन फ्रूट ट्रीज। तो अब देख कंडीशन सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन, टू मोर मीन्स प्लस टू, किससे टू मोर है, थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जितने फ्रूट ट्रीज हैं उन फ्रूट ट्रीज का थ्री टाइम्स ले लो, यानी थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें प्लस टू कर दो, आपको मिल जाएंगे नॉन फ्रूट ट्रीज। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। अब फिर से मैं बता रही हूँ क्या कंडीशन है, टू टाइप्स के प्लांट्स हैं, एक है फ्रूट ट्रीज एक है नॉन फ्रूट ट्रीज, टू टाइप्स के ट्रीज को प्लांट करना है किसी गार्डन में, किसको प्लांट करना है, सुंदर ग्राम के लोग हैं उनको प्लांट करना है फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज, दो तरह के पेड़ लगाने हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो किसके इक्वल थे, टू मोर, टू मोर मतलब देखो मैं लिखती जा रही हूँ प्लस टू, इसमें टू मोर करना है थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स मतलब थ्री से इंटू, इसका थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब हमें फ्रूट ट्रीज कितने हैं नहीं पता, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि फ्रूट ट्रीज कितने हैं, हम सपोज कर लेंगे कि फ्रूट ट्रीज एक्स हैं, एक्स हो गए नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, एक्स हो गए नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो नॉन फ्रूट ट्रीज कैसे निकालेंगे, फ्रूट ट्रीज के जो नंबर है उनका थ्री टाइम्स कर दिया यानी 3x और उसमें प्लस 2 कर दिया यानी प्लस 2, तो ये जो आपका 3x प्लस 2 हो गया ये है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और x क्या है फ्रूट ट्रीज, यानी उस विलेज में उस गार्डन में नॉन फ्रूट ट्रीज है 3x प्लस 2 और फ्रूट ट्रीज है x। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया देखो ध्यान से, क्योंकि जब भी इक्वेशन फ्रेम करना होगा एक इक्वल्स टू का साइन होता है, एक एल एच एस होता है और एक आर एच एस होता है। अब हमारे पास एल एच एस तो चलो मिल गया 3x plus 2, 3x plus 2 क्या है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, इसको मैंने 3x, ये चलो बस को वेट, 3x plus 2 ये तो हो गया नॉन फ्रूट ट्रीज, हमें इक्वल्स टू कुछ लाना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन आगे रीड करो, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। अब 3x प्लस 2 क्या चीज है, 3x प्लस 2 है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ओके, एंड 77 क्या है, 77 इज नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जैसे इक्वल होंगे वी विल गेट एन इक्वेशन एंड वी कैन सॉल्व इट। अब जिसको डाउट हो इस इक्वेशन में सिर्फ वो अनम्यूट करेगा, बाकी कोई अनम्यूट नहीं करेंगे, जल्दी बोलो। अब इस क्वेश्चन को चलो मैं एक बार और अलग से ब्लैंक पेज लेके समझा रही हूँ, रुक जाओ, देखो फिर से बता रही हूँ, हर क्वेश्चन को दो दो बार बता रही मैं आज, इसीलिए ये है फ्रूट ट्रीज, यहाँ पर है नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज एंड फ्रूट ट्रीज,
कंडीशन ये है कि जो फ्रूट ट्रीज है वो आपको नहीं पता, हमने एक्स सपोज कर लिया। नॉन फ्रूट ट्रीज का जो रिलेशन है वो फ्रूट ट्रीज के साथ है। कैसा रिलेशन है? क्वेश्चन में लिखा कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो टू मोर मतलब प्लस टू, इसमें टू मोर करना है। थ्री टाइम्स मतलब थ्री इंटू किसका, थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है एक्स, यानी नॉन फ्रूट ट्रीज हो गए 3x + 2, ये हो गए नॉन फ्रूट ट्रीज। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3x + 2 = 2, इसके इक्वल हो गया जितने नॉन फ्रूट ट्रीज, कितने 77 है, चेक करो। यस मैम 77 इक्वल्स टू कर दिया मैंने 77। अब आप उसको सॉल्व करेंगे, 3x = 2 हो जाएगा, अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 77 - 2 में डायरेक्ट 75 लिख रही हूँ, x = 2 हो जाएगा 75/3, कैंसिल करेंगे 3 + 6 और आ गया 25। एक्स हमने क्या सपोज किया था, एक्स हमने सपोज किया था फ्रूट ट्रीज, वो आ गए 25। अब आप नॉन फ्रूट ट्रीज निकाल के देखो इसकी हेल्प से, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया था कि इसका पहले 3 times ले लो, तो 25 का 3 times कितना हो गया 75 + 2 कितना हो गया 77। क्वेश्चन में नॉन फ्रूट ट्रीज कितने दिए थे 77, हमने सॉल्व करके भी कितना निकाल लिया 77, आंसर करेक्ट। आप सबको आगे दो दो बार समझा दिया तो जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके म्यूट, सिर्फ जिसको डाउट है वो अनम्यूट करेगा, तो आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रिडल, तो बच्चे से देखना रिडल ये है आपकी, चलो आपकी आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, आई एम अ नंबर, ओके आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, मैं एक नंबर हूँ, वो नंबर मैंने एक्स ले लिया, टेक मी 7 times ओवर, इसका मतलब कि हमें मतलब उस नंबर का 7 times, म्यूट जो भी अनम्यूट है, टेक मी 7 times यानी वो जो नंबर है उसका 7 times ले लिया, एंड एड अ 50, इसमें 50 प्लस कर दिया, एड 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ये सब करने के बाद ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, यानी ट्रिपल सेंचुरी में अभी भी 40 कम है, यानी ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ट्रिपल सेंचुरी कितनी होती है 300, तो 300 पहुंचने के लिए अभी 40 की जरूरत है, कौन कंप्लीट करेगा जल्दी बोलो, एनीवन। ये इक्वल हो जाएगा 260 के, क्यों 260 की इक्वल हुआ, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी होता है 300। आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 300 नहीं पहुंच रहा, वो 300 तक पहुंचने के लिए अभी 40 की जरूरत है, यानी 40 कम है, आप 260 ना लिख करके इसको ये लिख सकते हो, म्यूट बेटा इसका भी, म्यूट कर लो, यानी 300 - 40, म्यूट बेटा, कौन है को मैं भी चेक करूंगी कौन है, पंक्ति म्यूट कर बेटा। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई, 7x + 50 = 300, मैंने माइनस 40 क्यों किया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया कि ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, अभी 40 की जरूरत है, यानी 40 कम है अभी, इसलिए मैंने कर दिया माइनस 40, यानी फिर से देखो, नंबर x 7 times 7x, एड 50 + 50, ये सब करने के बाद अभी ट्रिपल सेंचुरी की इक्वल नहीं हुआ, यानी इक्वल्स टू 300, अब ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम, तो माइनस 40, सॉल्व करेंगे 7x + 50
is equals to 216. ये हो गया. आगे सॉल्व किया 7x, 260 में 50 माइनस किया 210. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 7. जैसे कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा 30. x इक्वल्स कितना हो गया 30. x हमने क्या सपोज किया था, नंबर. अपना आंसर चेक करो, नंबर का 7 टाइम्स, नंबर है 30, इसका 7 टाइम्स 210 प्लस 50 प्लस 50, आंसर कितना आ गया 260. ट्रिपल सेंचुरी से कितना कम है 40. ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम. आपका सॉल्यूशन करेक्ट है. आगे से क्वेश्चन हम ऐसे लिखे 7x प्लस 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 300. क्या क्या क्या, फिर से बोलो. बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% करेक्ट है, बिल्कुल सही है, लिख सकते हो. इसका ये अनुमेगा का कहना है, फिर से देखो, ये कह रही 7x कर दें प्लस 50 कर दें और इक्वल्स टू 300 कर दें. अब क्वेश्चन में दिया है कि आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए. इसका मतलब इसमें, इस चीज में 40 और आपको चाहिए. जैसे इसमें 40 प्लस करेंगे आप इक्वल हो जाएंगे ट्रिपल सेंचुरी के. 100% करेक्ट, यू कैन राइट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 40 हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएंगे. बिल्कुल करेक्ट अनुमेगा, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम. आप देखो ध्यान से, यदि इस क्वेश्चन में ऐसा होता, आई एम अ नंबर, टेल माय आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एट 50 एंड यू विल रीच टू ट्रिपल सेंचुरी. जैसे यू विल रीच टू अ ट्रिपल सेंचुरी, इसका मतलब ये प्लस 40 नहीं लेते, डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल्स टू 300. क्लियर? आगे से क्वेश्चन में बस ये हो गया आपका ये क्वेश्चन. नाउ कम टू, चलो अब ये दोनों हमारे पास कितना टाइम है, लेट मी चेक टाइम, 5 मिनट्स आर लेफ्ट. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ. आज से आपका ये चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, आपका सिलेबस मैंने आपको शायद बता दिया. दर सिलेबस कौन कौन चैप्टर आएंगे, डिड आई टेल इन द क्लास? नो मैम, नहीं बताया अभी, नहीं बता. न्यू बता रही हूँ, वेट. आपका एक सेकंड, अच्छा सेवंथ क्लास है आपकी, ओके. सेवंथ भी में बेटा कम हुआ एक्चुअली में सिलेबस, तो रुक मैं चेक करूँ, शायद बहुत कम आएगा, रुक जाओ. चैप्टर तो मेरे पास, फर्स्ट चैप्टर इज इंटीजर्स, तो मुझे याद तो आ रहा है जहाँ तक है. इंटीजर्स आएगा, फ्रैक्शन डेसिमल आएगा एंड डेटा हैंडलिंग आपका थर्ड चैप्टर है ना? डेटा हैंडलिंग भी पूरा नहीं आ पाया, वो भी शायद कितना आएगा वो हमने उस पर नोट कर दिया, देख लेना एक बार. ठीक है, सिलेबस की कॉपी कब आएगी ग्रुप पे? आज आ जाएगी बेटा, आज सब आ जाएगा, आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा. आज या कल तो आ ही जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगा. ओके मैम, पर ये फोर्थ चैप्टर नहीं आएगा, ये कंफर्म है. अब मैंने आपको मैसेज बता दिया, फोर्थ चैप्टर विल नॉट कम. लेकिन मुझे कराना था क्योंकि हमें कैसे भी करके जल्दी कंप्लीट करना. और ये मैम पर इस बार हाफ ईयरली में कम से कम 5 चैप्टर्स तो आने चाहिए थे. अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ये कौन बोल रहा है? पंक्ति. सुन पंक्ति, कोई बात नहीं. अब देखो 5 चैप्टर्स आने चाहिए, यदि 2.5 आ रहे हैं तब तो सबको 40 में से 39, 32, 36 तो मिलना चाहिए. लेट मी चेक कितने आंसर्स मार्क्स आते हैं आपको, देखते हैं उस टाइम. हाँ, यदि 5 चैप्टर्स आने चाहिए और जस्ट 50% आ रहा है उसका, 2.5, इसका मतलब सबको अबव 30 मिलना चाहिए. आपके पास सिलेबस बहुत कम है, और सच में कम है सिलेबस, 2.5 चैप्टर्स तो कुछ भी नहीं देखा जाता. मैम मैंने कॉपी कंप्लीट कर ली है क्योंकि 4.4 तक अकेला जो आपने अभी करवाया बस वही नहीं हुआ. हाँ ठीक है, इट्स ओके. लेकिन हम सिलेबस एक जैसा दोनों सेक्शन में देते, ए और बी में एक जैसा सिलेबस आता है, यदि वहां नहीं हुआ तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दे सकती. बट कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट.
ठीक है हाँ, लेकिन आप स्टार्ट कर देना फर्स्ट सेकंड चैप्टर रिवीजन, ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। तो रिवीजन डेली एक एक एक्सरसाइज करना शुरू कर दो आज से, आज 1.1 करना, डेली एक एक्सरसाइज रिवीजन करो, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। तो यानी 1.1 1.2 1.3 1.4 तक है आई थिंक, सो शायद 1.4 तक है। तो चार दिन आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए हो गया, और ऐसे 3 दिन में आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा, 7 days, और 1 दिन में आपका डेटा हैंडलिंग हो जाएगा, 8 days, 8 days में आपके मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट। लेकिन आज से स्टार्ट करना और डेली करना, एक एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, रात को 12 बजे 1 बजे नो मैटर, ठीक है। नाउ कम टू दिस फर्स्ट पार्ट, म्यूट कर लो बेटा। इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles, देखते हैं 7 marbles, मोर मींस प्लस 7। देखिए मैं कैसे बना रही इक्वेशन, आप भी ऐसे करती जाओ। यहाँ देखा 7 marbles मोर, मैंने प्लस 7 कर दिया, किससे 7 marbles मोर है, 5 times द मार्बल्स परमीत हैज, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसका 5 times। हम सपोज करेंगे कि परमीत के पास एक्स मार्बल्स है, एक्स, तो परमीत के मार्बल्स का 5 times 5x, यानी 5 7। म्यूट बेटा, बहुत अजीब सी को आ रही है। 5x + 7 = आप देखो क्वेश्चन में दिया कि इरफान की जो मार्बल्स हैं उसके पास 7 marbles मोर देन 5 times द मार्बल्स परमीत हैज, तो परमीत के मार्बल को हमने x सपोज किया, ध्यान रखना, और ये किसके मार्बल निकल गए, ये है इरफान के मार्बल्स, 5x + 7 ये इरफान के मार्बल्स हैं, और परमीत के मार्बल है x। आगे देखो इरफान हैज 37 marbles, 5x + 7 किसके मार्बल्स हैं, इरफान के, 37 किसके मार्बल है, इरफान के। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। जैसे इक्वल हो जाएंगे तो इक्वेशन बन गई 5x + 7 = 37। अब ओरल सॉल्व करें, ये इधर माइनस होगा हो जाएगा 30, 5x = 30, x = हो जाएगा 30/5, कैंसिल करेंगे तो आ गया 6, यानी परमीत के पास, परमीत के पास 6 marbles हैं, इरफान के पास कितने हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका 5 times ले लो, 30 + 7 = 37, ये 37 क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, चेक कर लिया, सिंपल। आगे सबको, यस मैम। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, यानी लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है, ओके, ही इज, ही किसके लिए आया, फादर के लिए, फादर्स एज, फादर्स एज इक्वल्स टू 4 years older + 4, अब किससे 4 years older है, 3 times लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की एज हम x सपोज करेंगे, उसका 3 times हो गया 3x, उसमें प्लस 4, 3x + 4 किसकी एज आ गई, फादर की एज। अब फादर की एज है 49, ये भी फादर की एज, ये भी फादर की एज, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x = 49, ये आ गया 49, ये 49 है, लिख लेना, चलो सॉल्व करेंगे, ये जाके जब माइनस होगा तो हो जाएगा 45, 3x = 45, x = क्या हो जाएगा, 45/3, कैंसिल करेंगे कितना आ गया, 15। हाँ, तो x हमने किसको माना था, लक्ष्मी की एज, तो लक्ष्मी कितने साल की है, 15 years। अब आप अपना आंसर चेक करो, 15 का 3 times कर दो, 15 × 3 = 45 + 4 कर दो 49, 49 किसकी एज आ गई, फादर की, गिवन भी है, करेक्ट है आंसर। आगे सबको जल्दी बोलो, डेट में ध्यान से सुनो, दिस चैप्टर कंप्लीटेड, अब आज सबको ये 4.4 तक कंप्लीट करना है,
और ये पूरा कंप्लीट करके मुझे उस जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें पीडीएफ बना के शेयर करना। पीडीएफ कैसे करेंगी वो उसका टेंशन मत लो, वो मेरी प्रॉब्लम मैं ओपन करके मैम पूरा भेजना है। जिन लोगों ने पहले ही भेज दिया है जस हाँ जिन्होंने भेज दिया वो दोबारा मत भेजना, बिल्कुल ही भेजना ये मेरा सारा। अभी फोर्थ भेजो, जब मुझे फर्स्ट लेना होगा मैं आपको बता दूंगी एक दो दिन में आपका। देखो अभी तो मैं फोर्थ चेक करूंगी, एक दिन आप मुझे फर्स्ट भेजोगे, एक दिन मुझे आप सेकंड भेजोगे और एक दिन आप मुझे थर्ड भेजोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चेक करूंगी, डोंट वरी। बट एक एक करके भेजना, एक साथ मत भेजना सारा। अभी आज सबने फोर्थ चैप्टर मुझे भेजी, समझ आ गया? क्लियर? यस मैम। ओके नाउ टाइम ओवर, लीव वन बाय वन। सायरम मैम, सायरम मैम, मैम मुझे पीडीएफ बनाना नहीं है। जिन्होंने पहले ही 4.4 तक भेज दिया है वो नो प्रॉब्लम बेटा, दोबारा मत भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना। ठीक है मैम। सायरम मैम, सायरम मैम मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आ रहा है। कौन है ये बेटा? पीडीएफ के लिए तुम्हें कोई स्कैनर तुम्हारे मोबाइल में होना चाहिए, एडोब स्कैन है, एक माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, कोई भी स्कैनर हो उससे आपको स्कैन करना। और स्कैन कोई स्कैनर है तुम्हारे मोबाइल में जिसे स्कैन करते हैं पिक्चर्स को? तो बेटा पहले कोई स्कैनर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तुम्हारे कोई फ्रेंड हो तो उससे फोन करके पूछ लेना, ठीक है? बाय मैम। साइलेंट साइलेंट। संदेश म्यूट कर, चल लेकर मीटिंग।